हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं बाजी का बर्थडे गिफ्ट। ये बाजी को उसके बर्थडे पे मिला था। इसका नाम है माय चॉक मेकिंग लैब। तो इसको खोलते हैं जल्दी से, इसके अनबॉक्सिंग करते हैं। आई एम सो एक्साइटेड। देखो फ्रेंड्स, हमारी कितनी सारी चीज़ें आई है इसमें माय चॉक मेकिंग लैब में। और हमें एक ये बॉक्स भी मिला है कि हम जो चॉक बनाएंगे तो हम यहाँ पर रख सकते हैं। और सबसे पहले इसमें निकलता है ये 3 कलर्स और फ्रेगरेंस। इसे बहुत सारे फ्रेगरेंस है, कोई स्ट्रॉबेरी का है, ऑरेंज का है, और ये बहुत सारे कलर है, रेड, पर्पल एंड ब्लू। और इसके बाद हमारा निकलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हमें चॉक बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर निकलता है ग्लव्स, दो बड़े ग्रीन ग्लव्स हैं। और फिर निकलता है सबसे इम्पोर्टेंट शेप्स, क्योंकि शेप से ही हमारी चॉक बनेगी और वही हम चॉक इस बॉक्स में रखेंगे। उससे इम्पोर्टेंट ये बुक जिससे हम पढ़ के करेंगे। और उसके बाद हमारे निकलते हैं ये कुछ ड्रॉप्स जिससे हम वाटर लेंगे। और ये एक रिबन है, इससे भी इसका भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। और उसके बाद हमारा एक ये है ब्लैक बोर्ड, जिसमें जो हमारी चॉक बनेगी वो हम इस पर चला सकते हैं। और उसके बाद है ये चम्मच, थ्री स्पून है ये। बीकर, छोटा सा बीकर दे रखा है जिसमें हम कुछ भी डाल के यूज कर सकते हैं। यह हो गया अपना बॉक्स खाली, इसको बंद कर देते हैं। जल्दी से शुरू करते हैं अपना चॉक बनाने। तो फ्रेंड्स, हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस तो निकाल लिया है और हमारे पास था एक बीकर, तो हमने एक और बीकर ले लिया है। हम प्लास्टर ऑफ पेरिस डालते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस निकाल दिया है। अब हम इसमें वाटर, अब इसको रख देते हैं। अब जब हमने वाटर निकाला है, अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने वाटर निकाल लिया है, मिक्स कर लेंगे। कैसे करना है मुझे समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले हम थोड़ा सा वाटर डालेंगे, पहले थोड़ा सा वाटर, और अब इसे मिक्स कर लेंगे। और अभी तो गाइस देखो कितना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है हमारे घर में। कार का एक्सीडेंट हो चुका है, जिससे तो रेत बन रही है, रेता। ये देखो गाइस कैसे हो गई है, जैसा बीच की रेत नहीं होती गीली हो जाती वैसी हो गई है। देखो तो गाइस, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार हो चुका है, वो कुछ इस तरीके का रहेगा। अब हम डालेंगे इसमें कलर्स एंड इसके हम 5 ड्रॉप्स डालेंगे। तो चलो अब हम इन्हें डालते हैं। पहले सोचा था मैं नहीं ले रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको कौन सा कलर चाहिए भाई? ब्लू, ऑब्वियसली ब्लू रहेगा। और आप रेड लोगे? ऑब्वियसली येलो। मैंने तो 5 ml ले लिया है, जल्दी से 5 ड्रॉप डाल देते हैं। मैंने लिया ही नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा। अब मैं वो डाल 1 last 5 डाल दिया। ओके, अभी भी इतना ही मिक्स ही कर। मेरा तो कुछ हुआ भी नहीं इसमें कलर। ये तो फ्रेंड्स प्लास्टर ऑफ पेरिस था हमारा, हमने ब्लू कलर डाला इसमें, इतनी बार डाला जब वहाँ जाके इतना हुआ है। एंड गाइस ये है मेरा रेड वाला, देख सकते हो पता नहीं क्या हो गया, मुझे भी नहीं समझ आया। कुछ खेल रहे, मैं खेलता रहूँ। तो गाइस, हम लोगों का जो है ये तैयार हो चुका है, बस हमें हम इसे शेप्स देनी है। और हमने शेप्स भी निकाल लेते हैं फटाफट से, शेप्स का मैं। और अब अपने कोई सी भी शेप लेंगे जो हमें पसंद आती है। तो मैं लूँगा हाउस की। ओके, सबसे पहले हाउस डालते हैं।
हम लोगों ने अपने शेप्स को फिल कर दिया है और अब हमें इसको 4 घंटे रखना होगा जिससे ये शेप बाहर निकल सके बन के। तो फ्रेंड्स अब 4 आवर्स हो चुके हैं, अब हम अपनी अपनी चौको को निकालने वाले उस पर टेस्ट करेंगे ये कैसा कलर आ रहा है। मुझे तो लग नहीं रहा इसका तो आ जाएगा, पता नहीं कौन सा कलर आएगा, मुझे कभी नहीं पता। मेरे से ब्लू लग ही नहीं रहा है, बाद ये रेड था वो पिंक लग रहा है। निकालते हैं जल्दी से, सबसे पहले अपनी भाई निकालेगा चौक एंड फिर हम इस प्लेट कर देंगे, उस पर यूज भी करके देखेंगे ये तो कैसे चल रही है। फर्स्ट दिखा रही है ये देख सकते हो आप लोग, सेकंड है ट्री, सेकंड हमारी भाई है ट्री, थर्ड है तोड़ते हैं ना इतना मुश्किल है, और ये है थर्ड है हाउस, फिर है लव, मेरे पापा के लिए लव है, फिर उसके बाद है ये थोड़ा सा ये खराब हो गया था, ये देख सकते हो आप ये वाला खराब हो गया है। हाँ चलो अब बाजी आप निकाल दो, अब ये कुछ शेप्स है जो मेरी है। सबसे पहले अपनी एक सबसे जिसमें लड़का लड़की है वो निकालने वाली है, ये वाली है, एक ये है हमारे पास, दो लड़का लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े पड़े हैं। अब आप देख सकते हो मेरी है ये एंड भाई की है ये। अब भाई ने बनाई है 5 और मैंने बनाई है 5। अब आप कमेंट कमेंट में बताना किसकी ज्यादा अच्छी है, ये लिख देना मेरी अच्छी तो किसकी तो अच्छी। इसको चेक करते हैं, सबसे पहले मैं अपना टैडी चेक करूंगा, बहुत मैं भी अपना टैडी चेक कर, रोना आ रहा है खराब हो जाएगा, तो जल्दी से लिखते हैं इसमें मैं अपना नाम लिखने वाला हूँ। अजरा लिख के आ गई, ये पिंक कलर में, वो पता नहीं वो डार्क कलर में। तो गाइस हम लोगों ने इसे यूज कर लिया, ये एकदम चौक की तरह चल रही है और जैसे स्लेट पे चलती है, ब्लैक बोर्ड पे आप जिससे भी चलाओगे आराम से चल रही है। आप भी इसे ट्राई करो, बहुत अच्छी है ये, कोई सी भी शेप बना सकते हो, कोई सा भी कलर। और अगर आपको कलर भी नहीं डालना, कोई कलर नहीं बनाना, व्हाइट कलर की बनानी तो कलर भी मत डालो। हमने कलर्स बनाए हैं, हमने दोनों ने अपने अपने नाम लिखे, बिल्कुल सही से लिख रही है और बिल्कुल चौक की तरह लिख रही है। आप लोग इसे यूज करो, बहुत अच्छी है ये। और ये देखो भाई क्या कर रहा है। तो गाइस इस वीडियो का एंड यही करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? Let's start on Paris.